Madame Secretary's famous clairvoyant had a bird called Nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe. With a wicked pack of cards, yes, said she. Is your card the town furnishing seller? Those are pearls that were his eye, look. Here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here is the man with three straps and her, here the wheel. And here is the one-eyed merchant, and this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hangman. Fear that by water. I see crowds of people walking around in a ring. Thank you. If you see dear Mrs. Equator, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful that day. तो हम लोग यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम का. हम लोग इसके पीछे देख चुके थे मैडम सोसेटियस से. हम लोग देखते हैं यहाँ कह रहा है क्या पोएट क्या कहना चाह रहा है कि मैडम सोसेटियस जो है वो क्या है, एक फेमस क्लेरोवेंट है. मतलब क्लेरोवेंट मीन्स हु टेल्स द फ्यूचर. आप लोग ये काफी जगह देखे होंगे कि ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर्स बताते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर बताने वाले. हैड अ बैड कॉल्ड, बैड कॉल्ड मीन्स बुखार है उसको, सर्दी है, ठीक है, जुकाम है. नेवरलेस मतलब वो क्या है, वो वीक है, वो अब कमजोर हो चुका है, हो चुकी है. इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, बट वो फिर भी यूरोप में सबसे वाइजेस्ट वुमन है, मतलब सबसे तेज तरार अभी भी उसका नाम है, माना जाता है. जो कैरेक्टर है मैडम सोसोसियस वो कहाँ से लिया गया है, ये टेकन फ्रॉम कहाँ से है, कैरेक्टर टेकन फ्रॉम एल्डस हक्सलेस क्रॉमवेलो से. ठीक है, तो वहाँ से ये पोएम का जो है सो ये सॉरी कैरेक्टर जो है ये लिया गया है. यहाँ पे क्या कहना चाहता है राइटर कि नो वन हु कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, जो फ्यूचर टेलर है वो खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका देखो तबीयत खराब हो गया है, तो वो खुद भी क्या नहीं कर सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो उस टाइम हो रहा था, जो चल रहा था, तो जो मतलब खुद जो है वो कहाँ से कर सकता है, वो खुद एबल नहीं, वो खुद एल है, खुद वो बीमार है. मैडम सोसोसिएट जो क्या खुद बीमार है, तो वो कहाँ से दूसरे को मतलब फ्यूचर देख सकता है, वो खुद अपना नहीं कर पा रहा है, तो वो सब यहाँ पे इंटरनली यही बोलना चाह रहे हैं. विथ अ विकेट पैक ऑफ कार्ड सी सेड इज योर कार्ड द ड्राउन फोनेशियन सेलर. यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो उसके हाथ में ना कार्ड्स है, पैक ऑफ कार्ड्स है, मतलब पैक ऑफ कार्ड्स होता है वही जो फ्यूचर्स टेल करते हैं किससे, वो कार्ड्स निकाल के. अब कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर देखे होंगे मूवी में या फिर जहाँ भी देखे होंगे, बट जरूर देखे होंगे कि ऐसे कार्ड्स निकाल के वो आपके ना आपको आपका फ्यूचर बता देते हैं. तो ये पहला जो कार्ड है वो बोल रहा है कि फोनेशियन सेलर के बारे में. तो फोनेशियन सेलर कौन है, फोनेशियन सेलर जो होते हैं वो कौन है, 1000 BC के आसपास में बहुत फेमस सेलर्स थे, मतलब नाविक थे वो लोग. नाविक सेलर में नाविक होता है, तो वो लोग थे. तो उसके बारे में बोलता है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो किसका है, उसका है. और यहाँ पे जो सेकेंड है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2000 pearl डेट वर हिज आई लुक. मतलब ये तो पहले बात है, ये जो रेफरेंस ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रेफरेंस जो हमारा वो टेकन फ्रॉम टेम्पेस्ट ऑफ शेक्सपियर, जो कि उसमें उन्होंने कहा है कि मरने के बाद आँखें क्या हो जाती है, आँख के जो आई बोल है वो क्या हो जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही उसके बारे में बता रही है. यहाँ पे अगेन क्या बोलता है, बोलता है कि हियर इज Belladonna द लेडी ऑफ मर्सी, द लेडी ऑफ मर्सी, ठीक है, सॉरी द लेडी ऑफ रॉक्स एंड द लेडी ऑफ सिचुएशन. तो यहाँ पे जो है आपका जो एक Belladonna है वो क्या है, मदर मेरी के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि लेडी ऑफ मर्सी के बारे में बोला जा रहा है Belladonna. ठीक है, और उसी को क्या बोला जा रहा है, लेडी ऑफ रॉक्स और लेडी ऑफ सिचुएशन. ठीक है, ये इसके बारे में बोला जा रहा है Belladonna के बारे में. हियर इज द मैन विथ थ्री स्टॉप्स एंड हियर इज द व्हील. व्हील मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हील मीन्स क्या है, लाइफ का जो चक्कर होता है. ठीक है, लाइफ सर्कल, सर्कल ऑफ लाइफ जो है उसको बोला जा रहा है क्या, व्हील बोला जा रहा है. हियर इज द मैन एंड देयर इज द वन आइड मर्चेंट. वन आइड मर्चेंट आपको पता होगा शायद, ये जो क्या होगा, जैक, जैक जो कि क्या था, वन आई मर्चेंट. ठीक है, जैक वन आई मर्चेंट. विच इज ब्लैंक इज समथिंग
He is carried on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man fear by that. देखो hangman मतलब यहाँ पे क्या होता है, hangman Jesus Christ को बोल रहे हैं, ठीक है, Jesus Christ तो बोल रहा है कि मैं सारे cards को देख रहा हूँ। पहला card जो था वो क्या था, Phoenician Slave के बारे में, दूसरा जो था वो Lady Belladonna के बारे में था, तीसरा था व्हील यानी कि लाइफ के बारे में, चौथा मर्चेंट के बारे में। ये जो कार्ड है मैं ये खोज रहा हूँ और ये कार्ड मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पर। आई डू नॉट फाइंड, मैं ये खोज नहीं पा रहा हूँ। कौन सा कार्ड, द हैंग्ड मैन का, मतलब जीसस क्राइस्ट का। और ये फियर डेथ बाय वाटर क्या है, देखो एक तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रेफरेंस दे रहे हैं किसके बारे में, इसका जो चैप्टर 5 है यानी कि सेशन 5 जो है इस पोएम का, द वेस्ट लैंड का, उसका भी टाइटल क्या है, डेथ बाय वाटर। तो एक तो रेफरेंस दे रहे हैं उसको, और दूसरा क्या है, वो अवेयर कर रहे हैं, किसको अवेयर कर रहे हैं, हम लोगों को, किस चीज़ के बारे में, डेथ बाय वाटर के बारे में, ठीक है, वो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट को बोला जाता है, द हैंगमैन जो जीसस क्राइस्ट को बोला जा रहा है, और किसको, फर्टेलिटी गॉड, मतलब भाई जो गॉड है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं, आगे लाइन में आते हैं, और यहाँ पे क्या वो कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि अभी जो है जीसस क्राइस्ट भी नहीं, अब जो कार है वो नहीं मिल रहा है उनको जीसस क्राइस्ट का, बाकी सारा मिल जा रहा है, वो चाह रहा है खोजना बट वो नहीं खोज पा रहा है, सॉरी खोज पा रही है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग, थैंक यू इफ यू सी डियर मिसेस स्क्वेटन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वंस मस्ट बी सो कॉल केयरफुल दैट डे। तो यहाँ पे जो पहला है, आई सी क्राउड ऑफ पीपल राउंड इन अ रिंग, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है, रेफरेंस जो है वो दांतेज इन्फर्नो, यानी कि दांतेज का जो इन्फर्नो था वो हेल डिवाइन कॉमेडी वाला, वहाँ से लिया गया है ये इन्फर्नो से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्या दिखाया गया था, डांटे जो है ना खड़ा होकर देख रहा था, क्या डांटे सी क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग डाउन इन रिंग, वो नीचे जो जा रहे थे सभी हेल में, वो वहाँ पे क्या कर रहा था, खड़ा होकर के डांटे देख रहा था। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, सी क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग डाउन इन रिंग, आगे इसका हम लोग क्लियर हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। थैंक यू इफ यू सी डियर मिसेस इक्वेटन, ठीक है, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है किसको, हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, ये हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिटिसाइज कर रहा है। यहाँ पे नैरेटर कौन है अभी, मैडम सिसोसियस, और यहाँ पे चेंज, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है कैरेक्टर, ये नैरेटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे क्या हो चुका है, बी केयरफुल, सो केयरफुल मीन्स बी केयरफुल, अभी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, दे डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, मतलब कर पाए, कर सकते हैं आप, ऐसा समय चल रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, और उसके पे जो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे कौन नहीं है, जीसस क्राइस्ट नहीं है, ये क्या है, मॉडर्न मैन जो है वो कहाँ रह रहे हैं, हेल में, और हेल में कौन नहीं रहता है, जीसस क्राइस्ट नहीं रहते। तो वही है यहाँ पे बताना चाह रहा है इस इतने इतना ही लाइन पे, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं अगला पैरा पे, अगला पैरा है अनरियल सिटी। तो पहले तो ये समझो कि अनरियल सिटी जो है वो किसको बोल रहा है, देखो ये जो लिया गया ये फ्रेंच पोएट चार्ल्स ब्रेडेलियर के से लिया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, पेरिस सिटी को डिस्क्राइब किया कैसे, एज ए घोस्टली सिटी, अनरियल सिटी, सिमिलरली टी एस सीगेट भी यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे, एक घोस्टली सिटी में, ठीक है, इसको अनरियल सिटी किसको कर रहे हैं, लंदन को, लंदन को कर रहे हैं, ठीक है, लंदन को कर रही है यहाँ पे अनरियल सिटी। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर टाउन अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज सो मैनी आई हैड नॉट थॉट दैट हैड अंडन सो मैनी, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो फॉग है ना उसको यहाँ पे वो कफन के तरह ले रहे हैं, मतलब फॉग क्या होता है, धुआं, धुआं से ठंड के दिन है अभी क्या कर देता है, जो फॉग होता है कोहरा वो आपको आपके सामने वाले बिल्डिंग नहीं दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसका रेफरेंस है, यहाँ पे बताया जा रहा है अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, क्राउड फ्लोड हो रहा है लंदन ब्रिज पे, काफ़ी सारे लोग चल रहे हैं, आई हैड नॉट थॉट डेथ बाय अंडन सो मैनी, अरे भी जो पीपल हैं वो कैसे हो गए जॉम्बी की तरह, वो बस चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आगे पीछे सामने कौन है, किस क्यों जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बस सर मुंडी झुका करके वो चले जा रहे हैं, आगे क्लियर होगा इसका, ठीक है। साई सॉट एन
infrequent were excelled, and each man fixed his eye before his feet, flowed up the hill and down King William Street. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Fixed his eye before his feet, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? अपना आँख कहाँ फिट कर लिया आप लोग? पाँव में। तो पाँव में जब हम लोग फिट करते हैं अपना आँख, तो क्या होता है? मुंडी झुका के चलना, तभी ना पाँव के पाँव पे आपका आँख नज़र गड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि मैन जो कैसा हो गया, ब्लाइंड, कंफ्यूज हो गया, आइसोलेट है, वो चल रहा है एमलेसली, तो कोई मतलब नहीं है, इधर उधर बस चल रहा है। और ये जो पैरा है, इच मैन फिक्स्ड आई बिफोर हिज फीट, ये कहाँ से लिया गया? विल्फ्रेड ऑन्स के पोयम ऑन शोल्डर ऑफ वर्ल्ड वार वन मैन मर्चेंट एज स्लीप से लिया गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड वार के समय क्या हो रहा था कि जो आर्मीज होते थे, सैनिक होते थे, वो क्या बस अपने ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो करता था, अपने बॉस का, और बस जिधर बोल दिया उधर सब चलता था। इसलिए यहाँ पे क्या बोल गया, फिक्स्ड हिज आई बिफोर हिज फीट, मतलब आप मुंडी झुका करके वो एमलेसली क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ उनको कुछ मतलब नहीं है। फ्लोट अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, किंग विलियम स्ट्रीट द वर्ड सेंट मैरी वुड नॉट कैप द हॉर्स विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्टॉक ऑफ नाइन। क्या बोल रहे हो यहाँ पे, ये जो है वो कहाँ जा रहा है? ये हमारा तो किंग विलियम स्ट्रीट पे जाकर के निकल रहा है, और वहाँ पे क्या है, एक सेंट मैरी उन्नत नाम का एक जो है चर्च है, ये क्या है, चर्च है, ठीक है, वहाँ पे ये जा रहे हैं। विथ अ डेड साउंड ऑफ द ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ नाइन, नाइन को क्या बोला गया है, जो साउंड हो रहा है वहाँ से निकल रहा है चर्च से, उसको क्या बोला गया, डेथ साउंड, यानी कि डेथ साउंड क्यों बोला गया, डेड साउंड क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, डेड साउंड यहाँ पे डेड साउंड क्यों बोला गया है, क्योंकि वहां से जो है सो आवाज जो आ रही है चर्च से, वो कब आ रही है, जब किसी का वो जो साउंड है, वो वाला साउंड आता है, क्या बोलते हैं उसको, जब होता है डेथ, तो जो साउंड आता है वो इसलिए बोला जा रहा है डेड साउंड। आगे देखते हैं, देयर आई सो वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन यू हु वर विथ मी इन द शिप्स एट माइली। माइली क्या है, देखो माइली क्या था ना, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट प्यूनिक वार था, ठीक है, जो प्यूनिक वार में साथी था वो, यहाँ पे रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्यूनिक वार का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंड करवा रहा है किसको, वर्ल्ड वार को, लेकिन हुआ ये बहुत पहले है प्यूनिक वार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो माइले शिप पे जो इसके साथ था वो कौन था, स्टेटसन था, उसको ये बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलेगा वो देखो, द क्रॉप्स You planted last year in your garden. Has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has the sudden frost disturbed its bed? Oh, keep the dog's far hands that's friends to man. Or within his nail, he will dig it up again. You hypocrite, like actor. Mourn, sembable, more fairer. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, एक पहला वर्ड यूज किया है crops, ठीक है, उसको कैसे लिखा है, CROPSE, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रॉप्स तो है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, डेड, ठीक है। तो डेड यहाँ पे का मतलब हुआ डेड बॉडी बोल रहा है, ठीक है। तो उसको जो तुमने पूछ रहा है कि तुमने जो पिछला साल उसको बोया था, स्टेटसन से पूछ रहा है, वो क्या अभी वो उग गए हैं, वो उग चुके हैं, और सडन हैव डिस्टर्ब द बेड, अब उसको डॉग और अपने से फ्रेंड से दूर रखने, तो अपने नेल से क्या करेगा, उसको कोड़ के निकाल देगा। और ये जो लास्ट लाइन है यू हिपोक्राइट, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है वो, यू हिपोक्राइट रीडर माई लाइकनेस माई ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है, लिखा हुआ किसमें है, फ्रेंच में, और चार्ल्स बाउ बॉल्डरेज के पोएम से लिया गया, ठीक है, ये चार्ल्स बॉल्डरेज के पोएम से लिया गया, यू हिपोक्राइट रीडर माई लाइकनेस माई ब्रदर, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोएम द ब्यूरियल ऑफ डेड वो इंड होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं, कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट पोएम है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल पोएम है, इसके अंदर काफ़ी मीनिंग है, तो अगर कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप बता दें, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड
Thank you for watching. Keep supporting. Be happy.